हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ऐसे अच्छे रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। क्या बताऊँ, कैसे हो आप सब बताओ ना, कमेंट करके बताना अच्छी हो कि नहीं। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और हाँ, एक चीज़, आज मेरी ना क्लास थी, कुकीज़ क्लास। तो एक दीदी का कमेंट आता है कि दीदी आप थकते नहीं हो क्या, इतने ज़्यादा काम करते हो ऐसे करके। तो देखो, उतना ज़्यादा तो थकावट नहीं लगती, दो दो घंटा का क्लास रहता है, प्लस घर का भी सारा काम रहता है। ठीक है, अभी मैं कपड़ा नहीं धोई हूँ। रोज रात को वॉशिंग मशीन में मैं कपड़ा धोती हूँ, मैं अभी नहीं धोती। तो अभी कितना बज रहा है पता है? 4 बज रहे हैं। मैं 12 बजे क्लास ली थी, 2 बजे क्लास ऑफ हुआ, फिर मैं केक बैक की हूँ और अवन में ही है, उसे निकाली नहीं हूँ। जस्ट निकालूंगी और उसे आइसिंग करूँगी। अभी आप लोग वीडियो देखना, उसका अलग पार्ट पे वीडियो आएगी। क्या बोलते हैं, उसके बाद ना मैं स्टूडेंट लोग का कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ नए स्टूडेंट होते हैं उनको रिप्लाई करती हूँ। कुछ नए स्टूडेंट इंस्टाग्राम वीडियोस देखकर आते हैं, हाय दीदी बोलते हैं, तो उनसे कुछ बातें करती हूँ, क्लास के बारे में डिटेल्स बताती रहती हूँ। तो ऐसा ऐसा मेरा टाइम पास हो जाता है मोबाइल लेके ही। ठीक है, पहले क्या करती थी मैं, मोबाइल हाथ में रहता था मेरा और बस रील देखते देखते मेरा दिन गुजरता था, यूट्यूब देखते देखते मेरा दिन गुजरता था। अब मैं काम करती हूँ, टीचर बन गई हूँ बेकिंग का। जैसे कि मैं सिखाती हूँ, आप लोग को पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ, मैं केक क्लास लेती हूँ, पिज्ज़ा क्लास लेती हूँ, डोनट क्लास लेती हूँ, कुकीज़ क्लास लेती हूँ, आइसक्रीम क्लास लेती हूँ। तो ये 5 क्लास मैं लेती हूँ, 2-3 क्लास और ऐड होने वाली है आने वाले टाइम पर, तो वो भी आप मेरे से सीख सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को सिखा दिया, बहुत ने खुद का बेकरीज भी खोल ली है, बहुत कुछ, बहुत लोग टीचर भी बन गए हैं, बताते हैं कि मैं भी सिखाने लग गई दीदी आपकी वजह से, थैंक यू ऐसा करके। तो बहुत सुंदर सुंदर कमेंट आते हैं। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे ना अगर आप मुझे फॉलो नहीं किया तो मुझे जल्दी जाकर फॉलो कर लीजिए, सरी निषाद आईडी है मेरा। और ये व्लॉग छोटा सा था, बस आपको यही बताना था कि क्या बोलते हैं, आज कुकीज़ क्लास था, तो कुकीज़ क्लास का फोटोज़ ये देखो, ये हमारा कुकीज़ क्लास था और क्लास का कुकीज़ था सॉरी। और इसे मैं सेल कर देती हूँ, कुछ को मेरे हस्बैंड खा लेते हैं। और आज तुलसी विवाह है, आप सभी को तुलसी विवाह की खूब सारी शुभकामनाएं। और आपके साथ मैं एक छोटी सी ना स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। पता है आज तुलसी विवाह का दिन है और मेरी एक फ्रेंड है, तो ना मैं क्या देखी, मेरी फ्रेंड के भी शादी नहीं हुई है। ठीक है, तो मैं क्या देखती हूँ, आज तुलसी विवाह का दिन है और सुबह सुबह मुझे ये सपना आता है, मैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बचपन की फ्रेंड है, हम दोनों साथ में पढ़े लिखे हैं, तो मैं उनके साथ स्कूल जाती थी। हमारा स्कूल बहुत दूर हुआ करता था, आधा घंटा से भी ज़्यादा टाइम तक पैदल चलते जाते थे तब जाकर हम अपना स्कूल पहुंचते थे। तो ऐसी रास्ते में आते जाते दो, आते समय भी उनके साथ आती थी, जाते समय भी उनके साथ जाती थी, वो जिस दिन नहीं जाती थी उस दिन मैं भी नहीं जाती थी, तो ऐसा होता था। तो स्कूल हम साथ में पढ़े लिखे हैं। ठीक है, उनका फ़ोटो होगा तो डाल दूंगी। तो मैं क्या सपना देखी हूँ कि मेरी बेस्ट फ्रेंड का शादी हो रहा है और मैं शादी में गई हूँ और उनको ना दुल्हन की रूप में देख रही हूँ, बारात आ गए हैं और हम उसको तैयार कर रहे हैं और तैयार होकर वो बैठी है, बहुत प्यारी लग रही है, ऐसा सपना देखी थी। उनका नाम इंदु है, तो वही सपना था, बहुत प्यारा सपना था। तो मैं सबसे पहले सपना भूल जाऊंगी करके ना, सबसे पहले आज सुबह खाना बना रही थी, रोटी बना रही थी, जैसे मुझे सपना याद आया मैं सबसे पहले उनको वॉइस भेजती हूँ कि हेलो इंदु, मैं आज तो सपना देखी और ये तो शादी हो बात करके, ऐसे करके छत्तीसगढ़ी में बतात रहे बोला था ना, तो पक्का हो ही इधर ही ऐसे लागा थे कि कातरे भगवान करती जल्दी बोला भी, बहुत प्यारा हम सफ़र मिलती इस लाइफ में, लाइफ बहुत इंजॉय करतीस। तो ऐसी सपना देखे तो मुझे अच्छा लगी से, फर्स्ट टाइम सपना ही से, और सपना में सीधा होकर शादी ही हुआ तरी से ऐसे रही से कहा बताऊँ। तो चलो ठीक है, मैं केक एक ठोक और बेक करूँ, एक ठोक मुला 500 वाला केक बनाना है, एक ठोक मुला 1000 वाला केक बनाना है। तो एक जना बोले 1000 तक बना देवे और एक जना बोले 500 तक बना देवे। तो 500 तक वाला ला 1.5 पाउंड के बनाऊँ और 1000 वाला ला 2 पाउंड के बनाऊँ, तो ऐसे बनाऊँ।
और एक ना चॉकलेट फ्लेवर पे है और एक वनीला फ्लेवर पे है। तो वो भी तो वाला वीडियो देखी बार मिली, तो वीडियो पे बने रहो संगवारी हो। मैं अभी धीरे धीरे व्लॉग बनाया था ताकि तुम मतलब बोर मत लगाए करके, और बहुत सारा व्लॉग है जो अपलोड नहीं करो, तो जल्दी अपलोड करो तो बोर मत हो, ठीक है। तो गाइस ये ना हमारी व्लॉग के पहले की कुकीज़ है जो मैं क्लास में बनाई थी। तो ये सारे कुकीज़ ना क्लास में अपने स्टूडेंट को बनाकर दिखाई थी गाइस। अपन कैसे हो? अच्छा हो ना? पता है आज रही से मोर कुकीज़ क्लास, और कुकीज़ क्लास में देखो मैं इतना सारा कुकीज़ बनाए पर सीखे हैं सिर्फ एक घंटा में। वैसे तो कुकीज़ 20 मिनट में बन जाते, और पता है ये वाला क्लास तो मैं ज्वाइन करूँ तो पूरा 10 ठोक रेसिपी जाने पर मिली कुकीज़ के, 10 फ्लेवर में हम सीख पाऊ, इतना अच्छा लगते ना घर के बने कुकी सा। तो तुम अल्लाह का करना, अगर ऑनलाइन क्लास सीखना चाहता हो, ऑफलाइन क्लास सीखना चाहता हो, तो ऑफलाइन क्लास के लिए तुम्हारा मैनपुर आयल पर ही हो। एक बार तुम्हारा ना मोर कुकीज खा के देखो, मैनपुर वाले हो तुम्हारा दुकान के कुकीज लो भूल जाओ, मतलब घर के बने कुकीज इतना टेस्टी रहते हैं। वो क्लास लेना है अगर तुम्हारा दुकान से नहीं खरीदना चाहो, घर में बहुत कम पैसा में तुम्हारा ये सब बनाना चाहता हो, तो जल्दी से क्लास ले आओ। हर त्योहार पे ये कुकीज बना के सर्व करो, बहुत प्यारा बहुत टेस्टी आते। और ये दुकान में ले बर जाओ तो बहुत महंगा मिलते, घर में बहुत कम चीजों से बहुत सस्ता से तुम्हें बना सकता। तो क्लास के लिए काका ने पता है दिए हुए नंबर में व्हाट्सअप करना है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और लेना है ऑर्डर करना है खाने के लिए तो भी तुमसे यही वाले नंबर पे कॉल कर सकता हो या व्हाट्सअप कर सकता हो, ठीक है। अभी ये कुकीज अवेलेबल है, अगर जलना चाहिए वो ले जा सकते। और क्लास तुम्हें है ना, ये है ना एक दिन के क्लास रहते, पूरा तुम्हारा ना 12 तरह के कुकीज सिखाया था मैं, और एक ही दिन के क्लास रहते। पता है वीडियो भी मिलते लाइफ टाइम के लिए, और बहुत टेस्टी टेस्टी कुकीज भी मिलते। ऑफलाइन अगर आओ तो ये सारा कुकीज अपन साथ लेके जाओ, ऑनलाइन में तो नहीं ले जा सको तो चलो ठीक है, ऑनलाइन अगर दूर दूर से हो तो ऑनलाइन जरूर क्लास कराओ, एक दिन में कुकीज बनाना सीखा भाई, पूरा मेजरमेंट के साथ एकदम परफेक्ट बन जाते। तो वीडियो अच्छा लगी तो क्या करना है, शेयर घला कर देना है। बाय बाय। जब कुकीज़ क्लास ख़त्म हुई तो मुझे ना 3 केक का ऑर्डर भी आया था, तो एक जंगल थीम पर केक था, एक था बेंटो केक जिसे मैंने इस तरह से तैयार किया, इसका फुल व्लॉग भी आएगा, तो आप लोग वीडियोस पे बने रहना, देखना कैसे डेकोरेट की हूँ कैसे बनाई हूँ, सारा डिटेल्स वीडियो पे मिलेगी। ये 3 केक है, ये चॉकलेट केक था, ये भी मैं बनाई हूँ, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, इसकी वीडियो जल्दी आएगी।